कोयलांचल धनबाद के लोग लगातार बारिश का इंतजार कर रहे थे इस प्रचंड गर्मी से राहत के लिए। आपको बता दें कि कल तेज बारिश हुई, लेकिन इस पहली बारिश नहीं, धनबाद कोयलांचल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH की पोल पट्टी खोल दी है। जी हाँ, पहली मूसलाधार बारिश के वजह से ही अस्पताल के पूरे वार्डों में अगर हम बात करें तो पानी भर गई। हालांकि सर्जिकल वार्ड में अक्सर बारिश के बाद, थोड़ी बहुत बारिश के बाद भी पानी लग जाता है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि कल जो भीषण बारिश हुई उसके वजह से अस्पताल के मेडिसिन वार्ड से लेकर सभी अलग अलग वार्डों में पानी भर गई थी। अस्पताल के बेसमेंट में सर्जरी वार्ड में पानी भरना आम बात है, लेकिन पानी भरने से वहाँ भर्ती मरीजों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। डॉक्टर और नर्सों को मरीजों के इलाज करने में भी उतनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि इस अस्पताल में बारिश का पानी भरना कोई नई बात नहीं है। इस साल बरसात में यहाँ के सर्जरी वार्ड में पानी भर जाता है हर साल, और इस साल जो है सर्जरी के साथ साथ मेडिसिन वार्ड में भी पानी भर गया। इमरजेंसी के सामने स्थित वार्ड में पानी भरने से इमरजेंसी में रहने वाले सारे पेशेंट्स को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि जब हमने अस्पताल के जो बाकी के डॉक्टर्स और नर्सेस से जाने का प्रयास किया तो इन लोगों ने बताया कि क्योंकि नाली की साफ़ सफाई सही तरीके से नहीं हुई थी, जिसके वजह से पानी जो है वो भर गया। और साफ तौर पर बारिश और नाले का पानी जो है इस अस्पताल में तैर रहा था, जिसके वजह से हम साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक और जहाँ लोग अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए इस अस्पताल में आते हैं, तो वहीं इस बरसात के पानी से कहीं पेशेंट के साथ ही साथ उनके साथ जो उनके अटेंडेंट आ रहे हैं वो भी बीमार ना पड़ जाए। परेशानी क्या हुआ, बीमार ठीक होने के बजाय और बीमार पड़ेगा। बुरी स्थिति है कि नाले का पानी सारा हॉस्पिटल में व्हाट्सएप में घुस रहा है, तो पेशेंट क्या ठीक होगा इस स्थिति में कि और बीमार होगा, ये आप ही सोचिए। आपको बता दें कि अस्पताल जो है वो ज़मीनी स्तर से थोड़ा सा नीचे, भी आपको हम दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए रोड ऊपर है और अस्पताल जो है वो थोड़ा सा ज़मीन से नीचे है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है कि इसमें अक्सर इस तरह से पानी लगने की समस्या जो है उत्पन्न होती है। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं से अस्पताल प्रबंधन को भी इसको लेकर और सरकार को भी लेकर एक ठोस पहल करनी होगी, क्योंकि ये धनबाद और इसके आसपास के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो तमाम लोग यहीं पर इलाज कराने आते हैं, और अगर अस्पताल खुद बीमार पड़े रहेगा तो आखिर मरीजों को कैसे ट्रीटमेंट सही मिल पाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही धनबाद की उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा भी यहाँ पर पहुँची थी, उन्होंने निरीक्षण किया था। साफ तौर पर उन्होंने हिदायत दिया था कि अस्पताल में साफ़ सफाई रहनी चाहिए। कई अलग अलग पेशेंट्स हैं जिन्होंने कंप्लेन किया, और उसके मात्र एक हफ्ते बाद ही जो स्थिति है, जो पोल पट्टी है वो साफ तौर पर इस अस्पताल की खुलती हुई नज़र आ रही है, वो भी केवल पहली बारिश में। तो हम साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तो मानसून ने बस दस्तक दी है, अभी मानसून के दस्तक देने के बाद अब जब लगातार बारिश होगी तो स्थिति जो है वो यहाँ पर बद से बदतर हो सकती है, और मरीजों के साथ साथ उनके अटेंडेंट भी और अधिक बीमार होने के चांसेस यहाँ पर देखने को मिलते। तो देखते हैं क्या पहली बारिश के बाद कुछ अस्पताल के प्रबंधन को सीख लेते हैं, सरकार जागती है, या फिर ये स्थिति जो है वो जस की तस बनी रहेगी। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।